नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं एक वुडन फ्लोर इंस्टॉलेशन का वीडियो, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको दो पार्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट का वीडियो अगर मैं दिखाऊंगा तो ये 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो एक पार्ट का वीडियो में आपको देखने का मिलेगा वुडन फ्लोर हम लोग कैसे फिक्स करते हैं, और एक पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद का जो फिनिशिंग होता है, प्रोफाइल बीटिंग और भी वर्क जो होता है, वो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि एक दो दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन आप देख रहे हैं आप उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं। सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को, और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले फ्लोर को आपको अच्छे से साफ कर लेना है। हाँ। ये हमारा मार्बल फ्लोर है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं पूरा अच्छे से, और जो भी आपका फर्नीचर है उसको आप हटा लीजिए, और जो फिक्स है उसको आपको ऐसे रहने देना है। उसके बाद ये आपको देख लेना है कि अच्छे से आपका पूरा फ्लोर साफ है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फर्नीचर है। इसके बाद ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप, ये फॉर्म हम लोग पहले बिछाते हैं। ये हम लोग का 1 mm का फॉर्म है। ये फॉर्म आपको साउंड प्रूफिंग बोलिए, डैम के लिए बोलिए, या फिर जो वुडन फ्लोर का एक लॉकिंग है उसके लिए, हर तरीके से ये आपका काम में आता है ये फ्लोर। तो जहाँ जहाँ आपका ये वुडन फ्लोर लगेगा पूरा अच्छे से कटिंग करके, जैसे कि ये वाला एरिया मेरा फिक्स है, तो इसके जगह में आपको फॉर्म को अच्छे से कटिंग करके बिठाना है, ताकि मतलब फॉर्म आपका फ्लोर कहीं से भी ज़्यादा ढक 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 आवाज़ ना करे। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा ये फॉर्म लगा लेना है। फॉर्म पहले बिछाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा जो वुडन फ्लोर लगने वाला है। हमारा वुडन फ्लोर ये है, ये जो देख रहे हैं ये AC4 कैटेगरी का है, और ये HDF है। ये हमारा जो थिकनेस है ये हमारा 8 mm का, 8 mm क्लियर नहीं होता है, ये 7.5 ऐसा होता है। और ये जो प्लैंक है ये 8 inch का प्लैंक है साइज, और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये हमारा 4 foot का है, 48 inch का, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें बहुत सारा वेराइटीज आता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो उसका। अगर आपको इसका पूरा डिटेलिंग वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था इस मटेरियल के बारे में, पूरा डिटेल्स वीडियो, कितना क्या प्राइस पड़ेगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे में लिंक है, आप जाइए और देख लीजिए इस वीडियो के बाद। यहाँ पे हमारा कट पीस लग रहा है, तो इसके लिए इसको हम लोग कटिंग करके ये वाला को, ये जो आर्च आप देख रहे हैं इस जगह में आर्च करके इसको कटिंग करके लगाया जाएगा। ठीक है, अभी ये जो लाइन है, अभी ये जो देख रहे हैं आप, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी एक V एंटी लॉकिंग इसका सिस्टम होता है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये एंटी लॉकिंग वुडन फ्लोर होता है। क्योंकि वहाँ पे मेरा ये जो कैबिनेट है फ्लावर वास का जगह, वो मेरा आर्च है, तो इसके लिए यहाँ पे उसके हिसाब से ये आर्च का यहाँ पे थोड़ा सा शेपिंग किया जाएगा। उसके लिए वाला यहाँ हम लोग कटिंग करके ये चीज़ को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ये हम लोग का ये वुडन फ्लोर जो लग रहा है, इसका ज्वाइंट आपको कहीं से भी कोई भी ज्वाइंट आपको नहीं दिखेगा। और ये जो इसका एडवांटेज है आपको मैं बता देता हूँ, ये जो वुडन फ्लोर का गैप आप देख रहे हैं, ये आपको 6 mm से लेकर 8 mm का गैप आपको रखना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये वुड है। तो हमारे इंडिया में जो भी मौसम होता है, मौसम के हिसाब से आप लोग जानते हैं कि वुड हमारा चेंज होता है, तो उसके हिसाब से ये बढ़ता भी है, थोड़ा सिकुड़ता भी है, तो उसके लिए आप लोग को जगह देना पड़ता है। जब हम लोग इसका बरसात के दिन में थोड़ा ये फैलता है, गर्मी के दिन में थोड़ा सिकुड़ता है, इसके हिसाब से हम लोग इधर से थोड़ा छोटा हम लोग रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जगह में पूरा अभी हम लोग का ये लाइनिंग आप देख रहे हैं ये पूरा लग चुका है ये इस जगह में। तो अभी हम लोग इधर से आपको दिखाएंगे और भी लगाते हुए। अभी ये जो देख रहे हैं आप कटिंग कर, तो जैसे कि देख रहे हैं ऊपर में ये जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे आपको कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे इसका ये है,
लेकिन ये ज्वाइंट आपको सिर्फ ज्वाइंट में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जहाँ कटआउट होगा वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और इसका जो लॉकिंग सिस्टम है ये देखिए, अभी जो गैप है ये गैप को अभी हम लोग वहाँ से ठोकने से ये चीज़ आपका मिल जाता है जब ये लॉक पर पड़ता है, और इसको थोड़ा फ्लोर से उठा के कॉर्नर करके उसके बीच में हम लोग बिठाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कटपीस लगेगा, तो इसको मेजरमेंट करने के बाद ये जगह में हम लोग का ये आएगा, ये जितना कटर हमारा वहाँ पे एक 4 इंच का फल्ली लग रहा है, तो ये 4 इंच का दाग देके वहाँ पे हम लोग का एक कटिंग लगेगा, और इस जगह में हमारा अप्रोक्स 30 इंच का फल्ली लगेगा, इस जगह में हमारा अप्रोक्स 30 इंच का फल्ली लग रहा है, तो ये गैप में हम लोग इसको फिल कर रहे हैं। जनरली कटिंग जो है जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसे ही कुछ भी पूछना है इस वीडियो में, प्राइस पूछना है, लेबर कॉस्ट पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। जैसे कि बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं, मैं उन लोगों का सवालों का जवाब देता हूँ, और भी कुछ इंक्वायरी होता है तो वो लोग मुझसे डायरेक्ट कहीं पर भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, ताकि आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आपका सॉल्व कर सकूँ। बस यही हमारा टारगेट होता है और कुछ भी नहीं। नीचे से थोड़ा उठा के ठोकेंगे, ताकि जो अंदर में लॉकिंग सिस्टम है इसका जो ग्रुप है, ये ग्रुप अंदर में भी होता है तो उससे ये लॉक हो जाता है उठाने के ठोकने के बाद। ये लॉक में इसको आप फंसाइए, यहाँ पे देखिए आपका ये लॉक में घुस रहा है, थोड़ा सा इसको उठा के हल्का उठा के इसको अंदर में लॉक कीजिए, ये गैप आपका फिल हो जा रहा है। इसका इधर से थोड़ा सा उठाइए अप करके, इसका इसको आपका इधर से, तो ये एंटी लॉकिंग हो जाने के बाद आपका जॉइंट कहीं से भी आपको ये जॉइंट नहीं दिखेगा। तो ऐसे करके पूरा इसका ये फ्लोर लगाने का प्रोसेस है। जैसे कि आप देख रहे हो पूरा इधर का आधा पार्ट हम लोग का लग चुका है अभी, ठीक है, ये वाले में फुल सीट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कभी भी जॉइंट में या फिर कॉर्नर में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ऐसे आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सारा ही एंटी लॉकिंग करके आप ऐसे करके आप हल्का ये आप अंदर पूरा लॉकिंग हो रहा है, और इसके बाद उठाने के बाद इसको ऐसे आप लगा सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं ये एक पार्ट में हम लोग का लगाना हो चुका है, तो अभी इसके हिसाब से पूरा यहाँ पे हम लोग का फोम है, और इधर भी हम लोग का लगाना होगा इस वाले एरिया में, और इधर कंटिन्यू अभी हम लोग का ये वाला फ्लोर आप देख सकते हैं पूरा लग चुका है ना। तो अभी इधर ये हमारा डाइनिंग की तरफ लग रहा है, वुडन फ्लोर जो होता है कि आप मार्बल वाला फ्लोर में लगा सकते हैं, टाली फ्लोर में लगा सकते हैं, आप नेट सीमेंट जो होता है वहां पे आप लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसका एक शर्त होता है कि जो लेवल होना चाहिए, लेवल एक समान होना चाहिए, तभी आप वुडन फ्लोर को लगा सकते हैं। और जो वुडन फ्लोर जो होता है वो आप डैम्प वाले वॉल के एरिया में नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे डैम्प आता हो, क्योंकि वो डैम्प में ख़राब होता है। और वुडन फ्लोर बहुत सारा भी मटेरियल पीवीसी मटेरियल में आ गया है, जो कि आप डैम्प वाले जगह में भी लगा सकते हो। आपको फील देखने को लगेगा वुडन फ्लोर, लेकिन आपका वो मटेरियल रहता है पीवीसी का, तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं
तो आपके लिए मैं वीडियो बना के दूंगा पीवीसी वुडन फ्लोर कैसे होता है, कैसे उसका चार्ज होता है, उसको लगाने का प्रोसेस कैसा होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए पीवीसी फ्लोर के बारे में जानना है तो, और मुझे आप प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए अगर आपको कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ भी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैं पक्का आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो वुडन फ्लोर है ये लगाना हमारा ख़त्म हो चुका है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एक दो दिन के अंदर मैं आपको इसका फिनिशिंग वीडियो दिखा दूंगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो कि स्कार्टिंग वगैरह लगाना होता है, डोर के पास प्रोफाइल लगाना होता है, तो इसका पूरा डिटेल्स उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा जो 8 से 10 मिनट का वीडियो है, तो आपको उसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी दिखा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग अभी जो ये लॉकडाउन को और भी जो 10 दिन या फिर 11 दिन बचे हैं, आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जो है सैनिटाइजर का या फिर हैंड वॉश का हमेशा यूज कीजिए। इसलिए मैं इंस्टाग्राम में भी आप लोगों के लिए मैसेज ला रहा हूँ, फोटोज छोड़ रहा हूँ, वीडियो भी छोटा छोटा कुछ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो एक इंटरजेनर फैमिली है उसके साथ आप जुड़े रहें। तो अभी बहुत सारा वीडियो आना बाकी है आफ्टर लॉकडाउन के बाद, तो ऐसे आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी नीचे में दिया हुआ है, तो वहां पे आप जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।